एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे मैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेकअप को टोन करने के लिए गुड वाइब्स का टोनर लिया है, ग्रीन टी टोनर है, काफ़ी अच्छा टोनर है, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं सीरम अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ही रोज़ हिप सीरम लिया है, ये काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है हमारे फेस पे। तो यहाँ पे मैं सीरम अप्लाई कर ले रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ग्लो हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लैक्मे का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है पूरे फेस पे। सो फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। यहाँ पे मैंने लिया है प्राइमर, जो मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर है लैक्मे का, ब्लर परफेक्ट प्राइमर है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। लेना होगा तो लिंक मिल जाएगा आपको। ये मैंने लिया है मैबेलिन फिटमी का फाउंडेशन, और डॉट 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 करके हम अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक को ना भूलें, ईयर्स को ना भूलें, हर जगह फाउंडेशन अप्लाई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इवन और स्किन दिखने लगेगी हर जगह इवन करने के लिए। और ये मैं अपने गीले स्पंज से यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हर जगह अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आईज़ पे भी मैंने वही अप्लाई कर लिया थोड़ा सा। और अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को। यहाँ पे मैंने मेबलिन फिटमी का कंसीलर लिया है, और जो भी कंसील करने वाली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज़ हो गया, आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे अगर डार्क सर्कल हो जाता है उनको छुपाने के लिए, जो भी आपके पिगमेंटेड एरिया होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अच्छे से आप उसे ब्लेंड कर लें। तो बस मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ें बाय करनी होगी तो लिंक आपको मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, कोई भी वीडियो अगर रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का, ये मेरा कॉम्पैक्ट है, तो मैं पूरे बेस को सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट से। समर्स में बेस को सेट करना या फिर कंसीलर को तो मोस्टली सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो केक ही दिखने लगता है। यहाँ पे मैंने पर्पल का लिया हुआ है कंचूर स्टिक, और कंचोरिंग कर रही हूँ मैं, तो देख सकते हैं आप कैसे कंचोर करना है। और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम बेस है ये, तो ब्लेंड इस तरीके से करना होता है एक्चुअली। जी जी, देख सकते हैं आप कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का फेस पैलेट लिया है, और इसमें कंटूर, ब्लश और हाइलाइटर तीनों मिल जाता है, तो जहाँ पे भी आपने कंटूर किया हो वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। और मैंने उसी के थ्रू सेट कर लिया है जहाँ पे भी मैंने कंटूरिंग की है, यानी कि कंटूरिंग यानी ब्रॉन्जर मिल जाता है, और यहाँ पर मैं उसी में से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर नाइट पार्टी में जा रहे थोड़ा ज़्यादा ब्लश रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने हाइलाइटर लिया है, और फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। नाइट पार्टीज़ में हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज़ फेस चमकता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, और साथ साथ नेचुरल ग्लो देता है ये हाइलाइटर, तो मुझे ये फेस पैलेट काफ़ी पसंद है। और अभी मैं अपना आईज़ मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने पीची शेड लिया है हुडा ब्यूटी के पैलेट से, और उसके बाद मैंने बस अपने थोड़ा सा ऊपर लगा लिया है, उसके नीचे मैं ब्राउन कलर का शेड ली हूँ, और देख सकते हैं आप बहुत ही न्यूड सा लुक दे रही हूँ मैं आईज़ को। उसके बाद क्रीज़ को कट कर ले रही हूँ मैं उसी क्या कहते हैं कंसीलर के साथ, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लिटरी आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो जब भी आपको थोड़ा सा ग्लिटरी आई शेडो अप्लाई करना हो तो मैंने ब्रॉन्ज कलर का लिया है, बिकॉज मेरी साड़ी जो है वो ब्लैक एंड ग्रे में है, और साथ ही गोल्डन कलर का उस पर डिज़ाइन बना है, तो मैंने कुछ इस तरीके के कलर को अप्लाई किया है अपने आईज़ पर लुक देने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डार्क ब्लैक कलर ले रही हूँ, डार्क ब्लैक है, ब्लैक तो डार्क ही होता है, और देख सकते हैं कॉर्नर में प्लेस कर रही हूँ कलर को, और थोड़ा सा ब्लेंड करके ब्लैकिश लुक दूंगी, बिकॉज मेरी साड़ी में है तो डेप्थ देने के लिए मैंने इस कलर को इस तरीके से पिक किया है। उसके बाद मैं ये हल्का सा ब्राउन कलर लेकर के ऊपर स्मज कर लूँगी ताकि इवन एंड ब्लेंडेड लुक लगे। उसके बाद जो भी कलर आप ऊपर अप्लाई करते हैं वही कलर्स आपको थोड़ा सा नीचे भी अप्लाई करना होता है ताकि बिल्कुल इवन लुक आए। उसके बाद मैंने एस क्यू का ये ब्लू कलर का आईलाइनर लिया है और अप्लाई कर रही हूँ। बट लिसन, अगर आप ग्लिटर के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए
बेहतर होगा कि आईलाइनर आप पहले अप्लाई कर लें और देन आप उसके बाद आई मेकअप कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्लू इस बार ट्राई किया, उसके बाद मैंने ये NYBAE का वाइट कलर का काजल लिया है थोड़ा सा आँखों को बड़ा दिखाने के लिए। फिर मैंने वही हुडा ब्यूटी पैलेट से ही ब्लैक कलर उठा करके एंगुलर ब्रश के साथ मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया और स्पूली के साथ मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं चाहती थी कि क्लीन दिखे मेरी, जो मैंने आई शेडो अप्लाई किया है वो क्लीन दिखे, इसके लिए मैंने क्लीन कर लिया उसको। और हाइपर कर्ल मस्कारा मैंने लिया है मैबलिन का और अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैंने हुडा ब्यूटी का ही रेड एडिशन वाला मैंने लिप शेड उठाया है, और साथ ही साथ क्योंकि ग्रे एंड ब्लैक के साथ में रेड कलर की लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी जाती है, तो मैंने वही लिया। और फिंगर की हेल्प से ही मैं इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर अप्लाई कर ले रही हूँ। और ये मैंने वेट एंड वाइल्ड के मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया और टैन टैन एंड हेयर्स माय लुक। ज़रूर बताएगा आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने एक्चुअली डे टाइम में ही क्रिएट किया था बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। बट ये लुक अगर आप नाइट पार्टीज़ के लिए भी क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कई लोगों की वेडिंग हो भी गई, और जब भी अगर आपको वेडिंग में जाना हो तो आप इस तरीके का लुक काफ़ी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। तो बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और मिलती हूं मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें और हां सुंदर रहें। ओके।